गोकशी के आरोपी को गिरफ्तार कराते समय एक इंस्पेक्टर की पिस्टल खोलते समय दुर्घटना हो गई, जिसके बाद एसजी सिफाई की मौत को हो गई और इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। वसीउल्लाह याकूब खान, हमें तो कोई जानकारी वहां से प्राप्त नहीं हुई, जो साथ वाले थे उन्होंने जैसे बताया वो समझ में बात नहीं आ रही है। ये बता रहे थे कि वो मतलब रिवॉल्वर में बुलेट फंस गया था, उसको ठीक कर रहे थे, सही कर रहे थे तो गोली चल गई अचानक और उसके जाके लग गई, ये बात बताई गई है हमें। अब हम क्या बताएं, हम मौके पे तो थे नहीं, इसलिए हमें तो कुछ जान वैसे ये गोली इस तरह से मतलब हमारी समझ में नहीं आ रही है कि कैसे लगी, क्योंकि यहाँ लगी है गोली और उस दरोगा के यहाँ है, उस दरोगा से मालूम करो, वो दरोगा तो अपना बयान दे रहा है ना इस तरह का, वहाँ अंदर है वो। हाँ ठीक है, हाँ जी, सर मैं तो जब ही लग सकती है जब कोई मारे, आइए। हाँ मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, जांच तो करी कर लेंगे। आज देर रात जनपद अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र में एक दुखद घटना घटित हुई है। 9 तारीख की रात्रि को थाना गभाना में एक गौकशी की घटना कारित हुई थी, उस पर पुलिस लगातार उनको ढूंढ रही थी। आज एक मुखबिर के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि वही गौकश इस थाना क्षेत्र में फिर से घटना कर सकते हैं, उसके लिए एक जॉइंट टीम बनाई गई। थाना गांधी पार्क, थाना गभाना और SOG, इनकी टीम्स ने जॉइंट मिलकर के एक दबिश दी। ये लगभग देर रात लगभग 1-1.30 बजे के आसपास जब ये टीम दबिश के लिए जा रही थी, उस दौरान सभी लोगों ने अपने पिस्टल्स को लोड किया। पिस्टल लोड करने में मज़हर हसन नाम के एक दरोगा की पिस्टल फंस गई, वो उसे लगातार प्रयास के बाद भी उसे नहीं ठीक कर पा रहे थे, तो दूसरे एक सब इंस्पेक्टर जिनका नाम राजीव है, इन्होंने वो पिस्टल उनसे ली और उसे वो अनलॉक करने का प्रयास करने लगे। इतने में ही अचानक गोली चल गई और वो गोली उनके खुद के भी पेट से निकल गई है और दूसरे SOG के सिपाही के सर में लग गई। उस सिपाही को तत्काल लेकर के रश किया गया हॉस्पिटल, जहां हॉस्पिटल ने उसे ब्रॉड डेड कर दिया है। हम लोगों ने उनके परिवार को सूचित कर दिया है, सभी उच्च अधिकारियों को बताया गया इसके बाद सभी टीम्स के द्वारा, तो हम लोग तत्काल मौके पर पहुँचे। हम लोगों ने हॉस्पिटल में जाकर के उस सब इंस्पेक्टर का भी हालचाल जाना है, सब इंस्पेक्टर की भी स्थिति गंभीर है लेकिन अभी डॉक्टर्स खतरे से बाहर बता रहे हैं उनसे, अभी उनका इलाज चल रहा है सुचारू रूप से। हम लोग अपनी अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं और परिवार को सूचित कर दिया गया है। राजीव क्या बात हुई? आज जना मेरे मुखबिर द्वारा मुझे बताया गया मेरे मुखबिर द्वारा बताया गया कि ऐसे जो गोकशी गवाना में हुई थी 8:45 की रात को, उसके मुलजिम जो उसके अपराधी हैं जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं उन्हें मैं जानता हूँ, तो मुखबिर को साथ लेकर मैं संयुक्त टीम SOG और थाना गवाना की टीम को लेकर हूँ पूरा जंगल में पुरिया के पास, सॉरी पुरिया के पास गश्त कर रहे थे, उन्हें तलाश कर रहे थे, तभी सभी ने कहा कि अपने पिस्टल कॉक कर लो, तो उसमें उप निरीक्षक अजय हसन की पिस्टल लॉक हो गई, जिसे उन्होंने मुझे ठीक करने के लिए दिया, जिसे मैं लॉक को ठीक कर रहा था तो अचानक एक्सीडेंट होकर गोली चल गई जो मेरे पेट में लगी और एक और लग गई SOG के, उसके बाद मुझे SOG के किसी लग गई सिंगाई के। हाँ और कोई बात तो नहीं? और